फ्रेंड्स आप देख सकते हैं चेक इंजन लाइट नहीं आ रहा है। आप देख सकते हैं यहाँ पे जो ईसीयू का लाइट आता है नहीं आ रहा है। इसी की वजह से जो है गाड़ी स्टार्ट नहीं हो रही है। सो मैं आपको बताने वाला हूँ लाइट क्यों नहीं आ रही है, और मैं आपको डायग्नोस करके बताऊंगा इसमें क्या प्रॉब्लम है जिसकी वजह से ईसीयू लाइट नहीं आ रहा है। और ईसीयू लाइट नहीं आएगा तो फ्रेंड्स गाड़ी भी स्टार्ट नहीं होगी। फ्रेंड्स आप देख सकते हैं गाड़ी स्टार्ट नहीं हो रही है। फ्रेंड्स मैं आपको बता दूं कि ईसीयू लाइट नहीं आएगी तो प्लग पे करंट भी नहीं आएगा और ये इंजेक्टर पे भी करंट नहीं आएगा, और इंजेक्टर पे करंट नहीं आएगा, प्लग पे करंट नहीं आएगा तो गाड़ी स्टार्ट भी नहीं होगी। तो इसमें ईसीयू का लाइट नहीं आ रहा इसलिए जो है स्टार्ट नहीं होगी। मैं आपको बता दूँ इसलिए मांग फ्रेंड आप देख सकते हैं करंट नहीं आ रहा है। करंट इसीलिए नहीं आ रहा कि ईसीयू का लाइट नहीं आ रहा है, ईसीयू को सप्लाई नहीं मिल रही है, इसी वजह से जो है करंट भी नहीं आ रहा है। फ्रेंड सबसे पहले तो मैं इसका जो है फ्यूज चेक कर लूंगा। ये जो 30 एम्पीयर का फ्यूज आपको दिख रहा है ये जो है ईसीयू का फ्यूज है, और इसे सबसे पहले मैं इसको सही है कि नहीं सही है। आप देख सकते हैं फ्रेंड फ्यूज सही है, फ्यूज उड़ा नहीं है, एकदम सही है। सबसे पहले तो मैं इसमें करंट चेक करूंगा। ये मैंने टेस्ट लाइट बनाया है चेक करने के लिए, इसके पॉजिटिव करंट होता है। मैं एक निगेटिव पे लगा लूँगा, एक प्रोब निगेटिव पे लगा लूँगा और दूसरा जो फ्यूज बॉक्स पे लगाऊंगा। फ्रेंड्स आप देख सकते हैं लाइट जल रही है, इसका मतलब जो है इस पर करंट फ्यूज पे जो है करंट आ रहा है। उसके बाद हमें चेक करना है ईसीयू रिले। आप देख सकते हैं ये रिले, ये ईसीयू का रिले है। फ्रेंड्स ये जो फ्यूज है इस पर सप्लाई आ रहा है, और अब रिले चेक करेंगे। सबसे उसके बाद तो पहले तो रिले चेंज करके देख लेंगे सही है कि नहीं। रिले से तो पाल नहीं है, मैंने इस पर दूसरा रिले लगा दिया है। अब चेक करेंगे चाबी ऑन करके लाइट आ रहा है कि नहीं। फ्रेंड्स आप देख सकते हैं सिर्फ बैटरी वाला ही लाइट आ रहा है, ईसीयू लाइट अभी भी नहीं आया है। ईसीयू लाइट अभी भी मीटर में नहीं आया है, इसका मतलब जो है रिले सही है। फ्रेंड्स अब अभी भी जो है मीटर में लाइट नहीं है, इसका मतलब रिले सही है। तो मैंने रिले लगा दिया, उसके बाद मुझे चेक करना होगा रिले की सप्लाई। तो ये सीरीज लैंप है, सीरीज टेस्ट लाइट, उससे पहले तो मैं इसे चेक करूँगा, एक निगेटिव पे लगा दूंगा। अब दूसरा जो है यहाँ पर चेक करूँगा, चाबी ऑन है। फ्रेंड्स आप देख सकते हैं इस पे जो है ये ईसीयू का रिले है, इस पे कोई सप्लाई नहीं आ रही है। आप देख सकते हैं मैं इसे इस पे चेक करूंगा इस पे करंट क्यों नहीं आ रहा है। इससे पहले ये नीचे इसका जो है वायर है, ये सप्लाई वायर, इसको मैं छीलूंगा, जो है छीलूंगा। ये अब इस पर मैं डायरेक्ट सप्लाई दूंगा। फ्रेंड्स इस पर 12 वोल्ट करंट दूंगा, सप्लाई दूंगा। इस पर बैटरी का 12 वोल्ट करंट आता है, वही जो है नहीं आ रहा है। इस पर मैं डायरेक्ट देख के चेक कर लूँगा, उसके बाद वायरिंग चेक करूँगा। ये आप देख सकते हैं मैंने इस पर जो है कनेक्ट कर दिया तार, और उसके बाद सीरीज लैंप से जो है मैं इसे चेक करूँगा करंट आ रहा है कि नहीं। फ्रेंड्स आप देख सकते हैं इस पर जो है सप्लाई आ गया है करंट का, ये लाइट जल रहा है, आप देख सकते हैं फ्रेंड। और इस पर जो है चाबी ऑन करने पे लाइट आएगा, इस पर 12 वोल्ट डायरेक्ट बैटरी वोल्टेज आएगा।
फ्रेंड्स आप देख सकते हो ECU का लाइट जो है आ गया है, चेक इंजन लाइट जो है आ गया है, तो इसी की वजह से जो गाड़ी स्टार्ट नहीं हो रही थी फ्रेंड्स, इसमें मैंने उस पर डायरेक्ट 12 वोल्ट करंट दे दिया है। अब इसे स्टार्ट करके देखेंगे। फ्रेंड्स आप देख सकते हो गाड़ी स्टार्ट हो गई है। फ्रेंड्स मैं इसे अब निकाल दूंगा और मैं इसकी सप्लाई चेक करूंगा, इसका वायर चेक करूंगा कहीं से इसका वायर जो है डैमेज हो गया है, इसलिए जो है इस पर करंट नहीं आ रहा है। सबसे पहले तो मैं इसका जो है बैटरी बाहर खोल दूंगा, बैटरी बाहर निकाल दूंगा। फ्रेंड्स आप देख सकते हो मैंने जो है तार ब्रेक था उसको ज्वाइन कर दिया है, और ज्वाइन करने के बाद इसको मैं टेस्टिंग कर दूंगा। फ्रेंड्स आप देख सकते हैं मैंने इसका प्रॉब्लम जो है सॉल्व कर दिया है, और मैंने चाबी ऑन कर दिया है। अब इस पर करंट चेक करूँगा, ये आप देख सकते हैं इस पर भी आ रहा है। इस पर जो है चाबी ऑन करने पे करंट आएगा, चाबी कर दे करने पे करंट नहीं आएगा। मैंने चाबी ऑन कर दिया है, मैं चेक कर रहा हूँ, इस पर करंट आ रहा है और इस पर भी करंट आ रहा है। इसका मतलब जो है सप्लाई ओके है। उसके बाद मैं इसका इस पर जो है रिले लगा दूँगा। आप सुन सकते हैं इसे, मैंने चाबी ऑन कर दिया, इस पर सप्लाई है, रिले लगा दो तो तुरंत रिले जो है अपना वर्किंग चालू कर देता है।